सुबह इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, एक कॉल भी रिसीव नहीं की तुमने। बिजी था। इतना बिजी कि एक कॉल बैक भी नहीं हो सकी। भूल गया होऊंगा, क्या प्रॉब्लम थी? समन, उसे सांस तो लेने दो, अभी तो ऑफिस से आया है वो। बोलने दे से पप्पो, बताओ क्या कहना है। क्यों, ऑफिस में इसका सांस लेना मन है? इसे बोलने दे, बोले बिना इसे चैन नहीं आएगा। अलिश्पा से बात हुई थी मेरी, मिले थे तुम उससे? इट्स ओके, मुझे अंदाजा था कि जो मैं पूछूंगी उसका जवाब तुम दोगे नहीं। अचानक मिल गई थी वो, और उस अचानक सी मुलाकात में तुमने उसे मेरे बारे में सारी बुराइयां बता दी। मैं समझा नहीं। फारिस, इसका तो दिमाग खराब है। तुम उठो शाबाश, जाओ अंदर आराम कर। नहीं नहीं, अंदर क्यों जाए, बता के जाए ना कि इसने क्या कहा है। बताओ मामा को भी। इसने अलिश्पा से कहा है कि मैं बहुत घमंडी हूँ, मुझे ना घर में सब कुछ अपनी मर्जी से करना होता है, बॉसी हूँ मैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम है मुझे, है ना? समन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर उसे कैसे पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच में सुबह में क्या बात हुई है? मुझे नहीं पता। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे क्या हुआ? सच बुरा लग गया। समन, कब अकल आएगी तुम्हें? आते जाते उसको कटहरे में खड़ा कर लेती हो। ओ भाई, हुआ क्या है? छोटी छोटी बात पे उलझ पड़ती है उससे। मामू, मैं बिला वजह नहीं उलझती, मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं उससे पूछती हूँ, उससे पूछो तो वो इरिटेट हो जाता है। और फिर मामा, मामा को तो लाडला है ना, मामा तो उसी की साइड लेती है, कभी नहीं डांटती उसे। इस घर का लाडला वो नहीं, तुम हो। डांटूंगा मैं उसे, तुम परेशान मत हो। उसे ना मेरी कोई परवाह, बिल्कुल भी नहीं।